हे गाइस, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना देखें और निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। और कोई सेंटेंस है जो अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, और जो निगेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव कैसे करें, मतलब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए एक बात पहले देख लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जिसमें निगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड क्या क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड हो वो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। नॉट, नो, नॉर, नाइदर, नोबडी, नथिंग और नेवर और नन, और ये सारे वर्ड जो होंगे किसी भी सेंटेंस में होंगे तो वो हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। नॉट, नो, नॉर, नाइदर, नोबडी, नथिंग, नेवर, नन, इस तरह जो और वर्ड होंगे किसी भी सेंटेंस में वो निगेटिव सेंटेंस में कहलाएंगे। और अफर्मेटिव सेंटेंस में इन सभी में कोई भी वर्ड नहीं होगा तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस भी कहलाता है, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहलाता है। तो हम चेंज करना सीखेंगे इसको। तो एक पहला रूल देखते हैं पहला चेंज करने का। पहले देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करते वक्त देखिए दोनों का भाव एक ही होना चाहिए। तो जब भी चेंज करेंगे इधर अफर्मेटिव और इधर निगेटिव देखते हैं, अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में बोला जाएगा तो उसका भाव और बोलने का तरीका सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए हम उसका एंटोनिम्स यूज करके बनाते हैं और नॉट लाए। देखिए तो पहले जैसे कि मैनेज, मोर्टल, तो और मैन इज मोर्टल है तो इसको हम निगेटिव सेंस में कैसे बोलेंगे, इसी को मैन इज नॉट इमोर्टल हो जाएगा। क्या हुआ, इमोर्टल। अब देखिए कैसे हुआ, देखिए दोनों का अर्थ एक ही हुआ। जैसे आदमी जो है मरणशील है, मतलब आदमी जो हम लोग मानव जो है वो मृत्यु आती है मानव को, और इस साइड देखिए मैन इज नॉट इमोर्टल मतलब अमरणशील, जो ने कभी नहीं मरता हो, तो कभी नहीं मरता है जो नहीं कभी मरता है तो वो भी हो गया मोर्टल। मोर्टल का हम इधर ओपोजिट करके नॉट लगा दिए तो ये भी निगेटिव सेंस में सेम, जो ये बोल रहे हैं जो इसका भाव है सेम इसका भाव हो जा रहा है। और भी एग्जांपल्स लेते हैं, आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल, तो इधर कर लेंगे डाउट का ओपोजिट लिखा तो ये तो आई रहेगा आई, और एम जिस सेंटेंस में है जिस टेंस में वही करेंगे, आई है आई एम करने डाउटफुल, एम के बाद नॉट लगा देंगे, और डाउटफुल है तो डाउट को डाउट का ऑपोजिट हो जाएगा श्योर, तो इसमें श्योर कर लेंगे श्योर, बस एंटोनिम्स यूज करके हम बना लेंगे। आइए देखिए इसका ऑपोजिट हो जाएगा डाउट का श्योर, और मोर्टल का ऑपोजिट इमोर्टल, तो हम बना लेंगे। और बीच में ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो ये निगेटिव सेंस हम बना सकते हैं। और भी देख लेते हैं, ही इज ए क्लेवर मैन, मैन ही इज ए क्लेवर मैन, इसका क्या बनाएंगे, तो पहले ही इज लिख लेंगे, ही इज क्लेवर का क्या हो जाएगा, नॉट लगा लेंगे, क्लेवर का हो जाएगा फूल,
वो चलाक क्लेवर में चलाक हो जाएगा और इधर मूर्ख हो जाएगा, क्लेवर चलाक का मूर्ख। वह एक चलाक आदमी है तो वह एक मूर्ख आदमी नहीं है। फुल हो जाए या फुल मैन हो, फुलिश मैन हो जाए या फुल लिख सकते हैं, दोनों एक ही होता होगा। यहाँ क्या है इसका अर्थ, वह एक चलाक आदमी है, इधर हो जाएगा ही इज नॉट फुल, वह मूर्ख नहीं है। दोनों का भाव एक ही हुआ लेकिन दोनों अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। नहीं लगा कि इसको निगेटिव वर्ड में बोलेंगे, इसलिए पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस से बन जाएगा। आई डिसलाइक हर, तो इसको क्या करेंगे, आई डोंट लाइक हर। देखिए आई हो जाएगा आई, डिसलाइक को क्या करेंगे इधर डोंट लाइक कर रहे हैं, ये डिसलाइक का लाइक होता है अपोजिट और डोंट ला रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आइए डिसलाइक है और यह हर ऑब्जेक्ट ऐसे उतर जाएगा। डिसलाइक का अपोजिट लाइक होता है, नॉट लाएं, नॉट लगाने के लिए डू या डज लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाते हैं। और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, she is always happy, इसका बना लेंगे she is never, always है तो always का opposite हो जाएगा, इसका always भी है तो हमेशा, और यह never मतलब कभी नहीं, never unhappy, और यह happy का opposite अनहैप्पी कर लें, अब हैप्पी अनहैप्पी हो जाएगा, और ऑलवेज ही इज ऑलवेज हमेशा खुश रहती है, तो सी इज नॉट अन नेवर या नॉट नहीं लाएंगे, नेवर लाएंगे, नेवर अनहैप्पी। कोई डाउट, दे आर फुल इसको कर लेंगे, दे आर फुलिस है इधर कर लेंगे, मतलब वे लोग मूर्ख हैं, तो इसको कर लेंगे दे आर नॉट फुलिस का ऑपोजिट, इधर क्लेवर भी था, एक और लिख सकते हैं वाइस मतलब बुद्धिमान, दे आर नॉट वाइस। मैन इज मोर्टल, मैन इज नॉट ला, नॉट ला के मोर्टल को अपोजिट इमोर्टल कर लेंगे। आई एम डाउटफुल आई लिख लेंगे और हेल्पिंग वर्ब भी लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ला के डाउटफुल का अपोजिट होता है श्योर करके हम बना लेंगे, और ही इज ए क्लेवर तो ही लिख लेंगे, इज हो जाए हेल्पिंग वर्ब, नॉट ला देंगे इधर निगेटिव वर्ड लाने के लिए नॉट ला देंगे, और फुल हो जाएगा क्लेवर का अपोजिट, फुल कर सकते हैं, फुल करके लगा रहे, तो इससे हम इतना बना है। और भी है आई डिसलाइक हर, आई और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉट लगाने के पहले डू या डज लगा लेंगे, डोंट, और डिसलाइक का अपोजिट लाइक, और हर का ये हर ही लगा लेंगे। सी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसी की तरह उतर जाएगा, ऑलवेज के साथ हम लगा लेंगे इधर नेवर, जो कि ये निगेटिव वर्ड है, यहाँ देख रहे हैं ये निगेटिव वर्ड लगा लेंगे नेवर, और हैप्पी है तो हैप्पी का अपोजिट लिखना होगा, ये अनहैप्पी। उसी तरह दे है, दे आर फुलिश है, वे लोग मूर्ख है, तो दे आर नॉट वाइस मतलब वे बुद्धिमान नहीं है, वे लोग मूर्ख है, जिससे बोलते हैं ना वे लोग मूर्ख है, बुद्धिमान थोड़ी ना है ना, वो हमेशा खुश रहती है, वो कभी दुखी नहीं होती, अनहैप्पी मतलब दुखी बोल सकते हैं, वो कभी अनहैप्पी दुखी नहीं रहती है। ठीक है, इस तरह से अब हम बनाते हैं ये निगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाए, अब निगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे। हमने पहले देखा, अब देखें निगेटिव से अफर्मेटिव, तो ले लेते हैं एग्जांपल्स, जैसे नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए कभी झूठ मत बोलो, तो ऐसा क्या बोलेंगे, कभी भी
नेवर टेल ए लाई तो हो जाएगा नेवर, यहाँ पर जैसे पिछले में हम देखे थे ऑलवेज को नेवर है, तो यहाँ पे नेवर को ऑलवेज अफर्मेटिव में चेंज करें तो ऑलवेज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब नेवर टेल लाई, कभी झूठ मत बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज नॉट हॉनेस्ट, हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा, इसको बनाना अफर्मेटिव बनाया तो ही इज हॉनेस्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंटोनिम्स क्या होगा हॉनेस्ट का, डिसहॉनेस्ट, डिस एच ओ एन ई एस टी, सिंपल है। ही इज नॉट हॉनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है, तो इधर है ही इज नॉट डिसहॉनेस्ट, वो ईमानदार, वो डिसहॉनेस्ट मतलब बेईमान है, ईमानदार नहीं है मतलब बेईमान है, यही ना बोल सकते हैं, दोनों का भाव सेम हुआ, दोनों में भाव में कोई अंतर नहीं आया, इस तरह से हम निगेटिव से अफर्मेटिव बनाए। यह आपको दिया रहेगा ही इज डिसहॉनेस्ट, निगेटिव बनाना हुआ तो ही इज नॉट हॉनेस्ट, चेंज कर लें, कोई भाव में कोई भी अंतर नहीं आएगा। और भी देखते हैं, ही डिड नॉट लॉस द मैच, इसका बनाना हुआ तो क्या बनाएंगे, ही डिड है तो डिड नॉट है तो क्या हटा देंगे, इसको क्या कर देंगे, ये लॉस लॉस है, इसका ऑपोजिट का आ जाएगा ओन, विन होगा, विन का वी टू हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट है तो वी टू लगाएंगे, ओन हो जाएगा ओन, ही ओन द मैच हो जाएगा, ही डिड नॉट लूज द मैच, ही ओन द मैच, वह मैच नहीं हारेगा तो वह मैच जीतेगा, हो जाएगा दोनों का सेम हो रहा है। हम और भी देख लेते हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव और भी तरीके से बना सकते हैं, तो उसको और भी देख लेते हैं किस तरह से और बनाएंगे अफर्मेटिव से निगेटिव, तो कुछ सेंटेंस लेते हैं और, जैसे कि आई एम होपफुल, आई एम होपफुल, आई एम होपफुल, तो इसका बनाना होगा तो बनाएंगे, देखिए अब इसको बनाते वक्त हम दो तरह के निगेटिव सेंस यूज करते हैं, जैसे कि आई एम नॉट, आई एम नॉट, अब देखिए ये नॉट विदाउट होप, यहां भी होपफुल ही रहेगा, इधर भी होप ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे दो निगेटिव सेंस रहेंगे, नॉट एक विदाउट, तो हो जाएगा आई एम होपफुल, आई एम नॉट विदाउट होप, मैं आशा के बिना नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, और यहाँ पे आई एम होपफुल, मैं आशाजनक हूँ, तो इधर कर लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, ही इज वाइस, और बनाना तो इसको कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट लाएंगे ही लगाएंगे, और लगाते हैं विदाउट, विदाउट क्या होगा विजडम, और भी इस तरह इसको बना सकते थे, किस तरह से बना सकते थे, यहां पे एक और तरह से बना सकते थे, ही इज नॉट Foolish. बना सकते थे, दोनों तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी, दोनों तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी किस तरह से बना सकते हैं, I am not hopeful है, तो इसको बना सकते हैं किस तरह से बनाएंगे,
क्या हो जाए, होपफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट भी लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, आई एम नॉट पॉजिटिव, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, दोनों तरह से बना सकते हैं, एक दो निगेटिव वर्ड भी लेकर बना सकते हैं और एक नॉट के साथ भी और ओपोजिट, लेकिन हाँ और दो ओपोजिट निगेटिव वर्ड लेंगे तो हम यहाँ पे ओपोजिट नहीं लिखेंगे और एक निगेटिव लेंगे तो इसको अपोजिट लिखेंगे, यहाँ पर नॉट और विदाउट लगाया है तो ओपोजिट नहीं हुआ है और यहाँ पे नॉट लगाया है तो ओपोजिट लिखे हैं, विश वाइस का ओपोजिट फुल करते हैं, और भी लिख लेते हैं, He tried every plan. इसको कैसे बनाएंगे? He left no plan untried. कर दें। He tried का अपोजिट कर दें untried. लेफ्ट मतलब छोड़ना, नो प्लान, दो अपोजिट हो गया लेफ्ट और नो प्लान, नो हो जाएगा और यहां पर अनट्राइड भी किया गया है इस तरह से, और हमको इसी तरह हमको निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना होगा तो जैसे कि ही इज नो विदाउट मनी, वो पैसे के बिना कुछ नहीं है, तो इसे कैसे बनाए, ही हैज मनी कर लेंगे, और इस तरह से क्वेश्चन होता है, देयर इज नो बॉय, देयर इज नो बॉय हु इज नॉट प्लेइंग, इस तरह का सेंटेंस हुआ तो क्या करेंगे, देर इज नो बॉय हु इज प्लेइंग, वहां कोई लड़का नहीं है जो खेल रहा है, जो नहीं खेल रहा है, हु इज नॉट प्लेइंग, जो वहां कोई ऐसा लड़का नहीं है जो नहीं खेल रहा है, तो क्या कर रहा है, मतलब सभी खेल रहे हैं, ऑल द बॉयज कर लेंगे, द बॉयज आर प्लेइंग, मतलब जो भी वहां बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो देखिए देयर इज नो बॉय, वहां कोई भी लड़के नहीं है जो हु इज नॉट प्लेइंग, जो नहीं खेल रहे हैं, तो क्या जाए, ऑल द बॉयज सभी लड़के क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब वहां जो सभी बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, तो मतलब नहीं कोई ऐसा लड़का नहीं जो नहीं खेल रहा है, मतलब सभी बच्चे खेल रहे हैं, और भी देख लेते हैं ऐसे ही, देयर इज No thunder without lightning. देखिए लाइटिंग के बिना थंडर नहीं होते, मतलब चमक बिजली देखें, अच्छा ज्यादा, देयर इज नो थंडर विदाउट लाइटिंग, लाइटिंग के बिना थंडर नहीं होते, तो अक्सर नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देयर इज ऑलवेज सम लाइटिंग before
थंडर। देखिए जब भी कड़क गरजते रहता है तो लाइटिंग होती है, तो ये भी कह रहा है जैसे कि नो थंडर, बिना थंडर के बिना चमक नहीं होगी, जब तक गरजेगा नहीं तब तक चमकेगा भी नहीं, चमकेगा भी नहीं तो बरसे गरजेगा भी नहीं। तो इधर भी कह रहा है हमेशा जब जब भी लाइटिंग होगा तो गर्जन होगी, बिफोर थंडर, थंडर के पहले लाइटिंग होगा, जब बिजली चमकती है तो उसके बाद जरूर गरजने की आवाज आएगी आएगी। तो हम और भी तरह से एक दो तरह से और भी देख लेते हैं, और बनाना होता है निगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से और भी तरीके हैं बना सकते हैं, तो और भी वीडियो अंत तक देखिए। और भी तीसरा तरीके से देखते हैं, हम दो तरीके से देखा अभी, तीसरा तरीका है देखते हैं। आई स द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। इसको बनाना होगा कैसे बनाएंगे, इसका एक और तरीका है आई डिड नॉट फेल, ये लगा देंगे डिड नॉट, यहाँ फेल लगा के बना बनाएंगे, क्या बनाएंगे फेल, फेल के फेल के बाद टू लगेगा, टू सी द रेड फोर्ट। मैंने लाल किला देखे से चुका नहीं, नहीं चुका मतलब मैंने देखा ही देखा एकदम, मैंने लाल किला देखा। इस तरह से और बनाएंगे, लर्न योर लेसन वेल, अपना लेसन अच्छे से लर्न करो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, डोंट फेल टू लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन तो फेल आए, डोंट डोंट फेल टू लर्न, टू लर्न योर लेसन, बस फेल यूज किए हैं, डोंट फेल, डोंट फेल लर्न योर लेसन, डोंट फेल तो यहाँ हो जाएगा लर्न योर लेसन वेल, तो डोंट फेल टू लर्न योर लेसन। उसी तरह और भी है जैसे कि आई प्लेड द गेम, आई प्लेड द गेम, इसको कैसे बनाएं, आई डेड नॉट फेल टू प्ले द गेम, हो सकता है आई आई डिड नॉट, लाए नॉट लगाना पास्ट पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई डिड नॉट लाए और फेल लगाना है, इसमें फेल लगा कर बनाएंगे, फेल 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 यूज करके बनाएंगे, एल है फेल यूज करके हम बनाएंगे, फेल यूज किए डिड नॉट फेल, फेल फेल टू ला फेल के आगे हमेशा टू लगेगा, इसका प्रीपोजिशन लगेगा टू और प्ले द गेम हो जाएगा। और इसी का निगेटिव बनाकर देखते हैं, इसका इसी तरह का निगेटिव सेंस रहता है, तो कैसे बनाएंगे, जैसे ही लगा है ही डिड नॉट कैच दी बॉल, इसको कैसे बनाएं, तो लिख सकते हैं ही फेल्ड, फेल्ड क्यों होगा क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, क्यों लगेगा क्योंकि पास्ट इधर पास्ट है, तो अब नॉट लगाना नहीं, एक डिड लगाएंगे तो वर्ब का दूसरा रूप लगा देंगे, फेल्ड टू ही फेल्ड टू कैच द बॉल, हो जाएगा ही डिड नॉट कैच द बॉल, उसने बॉल को नहीं पकड़ा, तो ही फेल्ड, उसने बॉल को पकड़ने से चूक गया, हो सकता है। इस तरह से भी और भी बहुत से हैं,
जो आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ और देखिए अनिल सर ITI चैनल। और इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि ITI की लेटेस्ट अपडेट और इंग्लिश और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और बहुत सारे पेपर्स आपको मिलेंगे इस चैनल पे, और प्रीवियस पेपर भी जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।